सभी लोग फटाफट से लाइव जुड़ जाएं। चलिए सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएं, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर, और मैं बता दूं दोस्तों, पावर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर सीरीज स्टार्ट की थी उसमें अभी तक हमारे 4 चैप्टर होगा और ये आज लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये आज लास्ट चैप्टर है और इसे भी हम लोग फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। नाम लिख देता हूँ चैप्टर का, ऑक्सीलेटर एंड मल्टीवाइब्रेटर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। ऑस्किलेटर एंड मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, सॉरी ऑस्किलेटर नहीं है, ऑस्किलोस्कोप है। ऑक्सीलोस्कोप, अब बोलना नहीं आता कई लोगों को, ठीक है, पढ़ने में नहीं आ पाता, ऐसे शब्द है कि जवान में लगवा मार जाए, तो मैं आपके लिए हिंदी में भी लिखवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसे क्या कहा जाता है, ऑसिलोस्कोप। क्या कहा जाता है, ऑसिलोस्कोप, और इसे कहा जाता है मल्टी वाइब्रेटर। तो ये तो आसान है, ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर्स, तो ये तो आसान है, लेकिन ये मुश्किल है। तो देखिए ओसी, ठीक है, ये एस साइलेंट हो जाता है, ऑसिलोस्कोप, ठीक है, एस साइलेंट है तो इसका नाम आता है ऑसिलोस्कोप। चलिए अब बात स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए ऑस्किलोस्कोप क्या होता है, पहले हम लोग जनरल बात करेंगे कि क्या कैसे होता है, ठीक है, एकदम बेसिक बात करते हैं, फिर उसके बाद इन डीप सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग मार्कर में इंक भर लेते हैं। और आप सभी लोगों की तैयारी कैसे चल रही है आप लोग बताएं। कई बच्चे ऐसे हैं, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनके के बैक अभी मतलब एग्जाम रह गया है, बैक का नहीं, जिनके एग्जाम अभी तक नहीं हुए सेकंड ईयर के, तो उन लोगों के लिए देखिए आपके सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है, आपके थ्योरी है, मैथ्स है, ईएस है। तो देखिए आपके सेकंड ईयर के जो बच्चे उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका सेकंड ईयर में ईएस है, ठीक है, तो मैं आपको ईएस की वीडियो बना के दूंगा जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में जैसे कई बच्चे जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी देने वाले हैं, फर्स्ट ईयर का नहीं हुआ, अभी सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और आपका फर्स्ट ईयर का अभी तक थ्योरी का, ईएस का और मैथ्स का एग्जाम नहीं हुआ, तो आप लोगों को मैं वीडियो बना के दूंगा मैथ्स के सारे क्वेश्चन, 2.5 घंटे की वीडियो होगी जिसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके फर्स्ट ईयर के, ईएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व होंगे जो आपका निम्मी की पीडीएफ दे रखी है और थ्योरी के। तो आपको सिर्फ वो 2.5 घंटे की मैथ्स की वीडियो, 1.5 घंटे की ईएस की वीडियो और 2.5 घंटे के लगभग की थ्योरी की वीडियो और आपने देख ली, समझ ले एक चीज, तो आपके उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर के अभी तक जिन लोगों के एग्जाम नहीं हो, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने पीडीएफ तैयार कर रखी है, वीडियो तैयार कर रखी है, आप लोग वो देखिए, मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, दूसरे चैनल पे, कहाँ पे, आपको इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन पे, और हो सकता है बहुत जल्द मैं यहाँ भी अपलोड कर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो जरूर देखें, बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। एग्जाम में उन वीडियो के बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखें, उन वीडियोज के बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। अब देखिए ऑस्किलोस्कोप क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक, अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, ये जितने भी करंट या वोल्टेज या पावर के सिग्नल है उन्हें हमें दिखाती है कि भाई ये एक्चुअली में कैसे दिखते हैं, तो विभिन्न विद्युतीय राशियों की आकृति दिखाती है, लिख लेते हैं, विभिन्न इलेक्ट्रिकल वैल्यू की आकृति हमें दिखाती है, ठीक है। तो बहुत सारी इलेक्ट्रिकल वैल्यूज है, उन वैल्यूज की आकृति दिखाने का काम कौन करता है, ऑस्किलोस्कोप, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्किलोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑस्किलोस्कोप अलग अलग जो वैद्युतिक राशि जैसे कि करंट, वोल्टेज, पावर, इनके सिग्नल दिखाता है, तो देखिए एक करंट का, वोल्टेज का और फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हमें दिखाता है, तो ये हो गया ऑस्किलोस्कोप। ये एसी और डीसी दोनों की आकृति दिखाते हैं, ठीक है, एसी व डीसी दोनों वेव दिखाता है, ठीक है, वेव यानी कि तरंग, दोनों वेव दिखाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सिर्फ एसी दिखाता है, डीसी में नहीं होती, लेकिन जो प्योर लाइन आती है, सीधी लाइन आती है, वो भी हमें क्या दिखाता है, ऑस्किलोस्कोप दिखाता है, क्लियर है, ठीक है। अब ये कौन कौन से आकार की हमें वेवफॉर्म दिखाता है, तो देखिए
सॉ टूथ यानी कि देखो वो जो आरी के दांतों जैसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके देखो, ये वाली सॉ टूथ। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर कैसे हो गई, ये स्क्वायर वेव फॉर्म। गुड मॉर्निंग नीलम जी। उसके बाद साइन वेव, साइन वेव कैसी होती है, ये। फिर ट्राइंगुलर वो हो गई ऐसे, ठीक है, ट्रायंगुलर। तो इस तरह की वेव हमें देखने को मिलती है ऑस्किलोस्कोप के द्वारा। और मल्टी वाइब्रेटर एक तरह का दोलित्र है। तो ये क्या है, भाई दोलित्र क्या होता है? तो अब दोलित्र, मल्टी वाइब्रेटर को समझने के लिए हमें दोलित्र को समझना पड़ेगा। और दोलित्र को क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटर, ठीक है। दोलित्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जैसे ये है ऑसिलोस्कोप, इसे कहते हैं ऑसिलेटर, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑसिलेटर कहा जाता है। अब ऑसिलेटर क्या करता है, इसका मुख्य कार्य स्क्वायर वेव उत्पन्न करना होता है, ठीक है। अब ऑसिलेटर की तरह काम करता है, लेकिन मैं बात करूं तो मल्टीवाइब्रेटर, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मल्टीवाइब्रेटर का मुख्य कार्य होता है स्क्वायर वेव उत्पन्न करना, वर्गाकार, ठीक है, स्क्वायर वेव। मुख्य कार्य स्क्वायर वेव उत्पन्न करना होता है, ठीक है। तो मुख्य कार्य क्या है, इसके द्वारा हम लोग स्क्वायर वेव को उत्पन्न कर सकते हैं। जो जो बच्चा लाइव आ चुका है फटाफट से देखिए, कमेंट करते जाएंगे कौन कौन लाइव आ चुका है। नीलम जी और डोरियल जी, WCS की क्लास नहीं हो पाएगी आज, ठीक है, आज अपन ये क्लास ले रहे हैं। तो अभी मैं बता दूंगा, WCS की क्लास होगी तो वही 11:30 बजे होगी। गुड मॉर्निंग पवन, ठीक है। WCS की क्लास जैसे भी होगी तो वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। अगर कोई बड़ी बात नहीं है, WCS की क्लास हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो मल्टीवाइब्रेटर का मुख्य कार्य क्या हो गया, स्क्वायर वेव उत्पन्न करना इसका मुख्य कार्य होता है। अब मल्टीवाइब्रेटर का अध्ययन करने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऑसिलेटर। लेकिन अगर आपसे सिंपल एग्जाम में पूछ ले, बताइए मल्टीवाइब्रेटर किस तरह की वेव उत्पन्न करने में मदद करता है, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, सॉ टूथ, तो आप क्या टिक करोगे, स्क्वायर वेव उत्पन्न करने में मदद करता है या स्क्वायर वेव उत्पन्न करता है। तो अब आगे करके अपन क्या क्या तीन टॉपिक पढ़ने हैं अपन को, देखो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक तीन है, ऑस्किलोस्कोप, उसके बाद ऑक्सीलेटर, और उसके बाद मल्टीवाइब्रेटर। क्योंकि मल्टीवाइब्रेटर ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है, तो हमें सबसे पहले ऑक्सीलेटर पढ़ना जरूरी है। तो यहां तक आपको बताओ, बेसिक बातें क्लियर हो गई क्या, क्या ऑस्किलोस्कोप क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हमें तरंग रूप में दिखाता है, ठीक है। उसकी एक आकृति शो करता है हमारे सामने, और उस आकृति को किस आकार में दिखाता है, सॉटूथ, स्क्वायर, साइन वेव या ट्रायंगुलर। और ये एसी व डीसी दोनों प्रकार की होती है, एसी डीसी दोनों प्रकार की हो सकती है। इतनी बात आप लोगों की क्लियर है, तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन देखेंगे सबसे पहले ऑस्किलोस्कोप, ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्किलोस्कोप की कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑस्किलोस्कोप। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलोस्कोप, ये टॉपिक अब हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप ये चीज तो समझ गए भाई, ऑसिलोस्कोप क्या करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को तरंग रूप में हमें पेश करता है और हमें दिखाता है। तो ऑसिलोस्कोप या सीआरओ, अब देखिए क्या होता है, इसे सीआरओ भी कहते हैं, इसे सीआरओ भी कहते हैं। अब सीआरओ का हमें पूरा नाम जानना आवश्यक है, तो देखिए सीआरओ का नाम क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखो, ये नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सीआरओ का नाम बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो आईटीआई के एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, सीआरओ का नाम हजारों बार पूछा गया। तो आप ध्यान रखोगे, सीआरओ का नाम क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहा जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा डीसी अथवा एसी क्वांटिटी को पर्दे पर देखा जा सकता है और उनका मापन किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज तो मैंने आपको लिखा दी थी ना कि सीआरओ या ऑसिलोस्कोप क्या करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के एसी पे डीसी सिग्नल को तरंग रूप में पर्दे पर प्रदर्शित करता है। इतनी सी बात हमें ध्यान है। अब देखिए अपन को क्या देखना है कि ऑसिलोस्कोप सामने था एक एक्स वाई प्लॉटर है, तो देखिए यह सामान्यतः एक एक्स वाई प्लॉटर है, ठीक है।
तो इसके अंदर आप देखोगे एक ऑस्किलोस्कोप की, अगर आपने स्क्रीन देखी हो कभी, आपने अगर ऑस्किलोस्कोप देखा हो कमेंट करके बताएं किस किस ने देखा है। तो दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये तो गई एक्स और ये हो गई वाई एक्सिस, तो दो एक्सिस है, तो इसे दो एक एक्स और एक वाई प्लॉटर पे बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें कैथोड किरणें एक पेन के रूप में कार्य करती है। अब ये एक्स वाई प्लॉटर हो गया, अब इसमें कैथोड किरणें, ठीक है, कैथोड की बीम आती है जो कि प्लॉटर यानी कि पेन का काम करती है। चलो लिख लेते हैं, ठीक है, नाम है ना इसका कैथोड, तो कैथोड किरणें, कैथोड किरणें पेन का कार्य करती है। तो भाई कैथोड किरणें पेन की तरह काम करेंगे, यानी कि देखिए ये तो क्या प्लॉटर जहां पे हम लोग प्लॉट करेंगे, और पेन जो भी है एक ही कागज जो कि इसके ऊपर लिखने का काम क्या करेगा, कैथोड किरणें प्लॉटर का कार्य करती है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर सीआरओ की स्क्रीन पर फ्लोरोसेंट पदार्थ की कोटिंग एक शीट का कार्य करती है। तो यानी कि देखिए सीआरओ की स्क्रीन पर, ठीक है, सीआरओ की स्क्रीन पर की गई फ्लोरोसेंट कोटिंग, ठीक है, सीआरओ की स्क्रीन पर की गई फ्लोरोसेंट की कोटिंग, ठीक है, सीआरओ की स्क्रीन पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग की जाती है, और वो कोटिंग एक शीट का कार्य करती है, की कोटिंग एक शीट का कार्य करती है, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट की कोटिंग क्या करती है, एक शीट का कार्य करती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। अब एक शीट है, अब शीट पर क्या बनाए जाएंगे, ग्राफ कर लेते हैं, एक शीट का कार्य करती है जिस पर ग्राफ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या बनाए जाते हैं, ग्राफ बनाए जाते हैं। इतनी सी चीज हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि ऑस्किलोस्कोप क्या काम करता है, इसे सीआरओ यानी कि कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप कहा जाता है। फिर ये एक सामान्यतः एक्स वाई प्लॉटर है, एक्स वाई ग्राफ होता है जो कि एक प्लॉटर का काम करता है। तो देखिए एक्स वाई प्लॉटर होता है, अब ये प्लॉटर का काम करेगा एक्स वाई स्क्रीन, और इसके ऊपर कैथोड किरणें पेन का कार्य करती है, कैथोड किरणें जो भी ग्राफ होता है उसे बनाने का काम करती है, और फिर इसकी स्क्रीन पर फ्लोरोसेंट पाउडर छिड़क दिया जाता है, वो फ्लोरोसेंट पाउडर हमें विजिबल करता है, ग्राफ दिखाता है कि एक्चुअली में जो लाइन है, जो आकृति है, वो किस प्रकार की है। क्या आप सब लोगों के ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया कैथोड रे का कार्य, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, ये क्या करता है, समय के साथ परिवर्तित होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ध्यान देंगे। अब भाई आपको पता है करंट समय के साथ परिवर्तित होगी, वोल्टेज समय के साथ परिवर्तित होगा, तो समय के साथ परिवर्तित होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का विजुअल यानी कि जो हमें दिख सके विजुअल डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, विजुअल डिस्प्ले प्रदान करता है। तो समय के साथ जो सिग्नल परिवर्तित होते रहते हैं करंट वोल्टेज के मान, उसका हमें समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है वो दिखाता है, और उसे हम ग्राफ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जब ये जो सीआरओ की ये स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट मटेरियल की जो स्क्रीन है, अब इस स्क्रीन पर जब कैथोड की किरणें टकराती हैं तो एक चमकदार हॉटस्पॉट उत्पन्न होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ये मैं लिखाऊंगा नहीं, कि जो सीआरओ की स्क्रीन होती है, अब इस पर क्या होगा, कैथोड की किरणें टकराएंगी, अब जैसे ये टकराएंगी तो एक चमकदार हॉटस्पॉट उत्पन्न होता है, यानी कि चमकदार रोशनी उत्पन्न होती है, और वही रोशनी के द्वारा हमें क्या दिखता है, जो एक्चुअल वेवफॉर्म में सिग्नल है वो हमें दिखता है, ठीक है। तो सीआरओ में प्रयुक्त क्षैतिज इनपुट को सीआरओ रैंप वोल्टेज, टाइम बेस वोल्टेज या सॉटूथ वोल्टेज भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं, सीआरओ के अंदर प्रयुक्त क्षैतिज इनपुट, ठीक है, अब क्षैतिज इनपुट क्या होता है भाई ये बताओ सब लोग, क्षैतिज इनपुट क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल इनपुट, ठीक है, क्षैतिज इनपुट कहेंगे हॉरिजॉन्टल इनपुट। तो क्षैतिज इनपुट को क्या क्या कहा जाएगा, रैंप वोल्टेज को, क्षैतिज वोल्टेज को रैंप वोल्टेज, टाइम बेस वोल्टेज, ठीक है, रैंप वोल्टेज, टाइम बेस वोल्टेज और सॉ टूथ वोल्टेज कहा जाता है, और साथ ही साथ सॉ टूथ वोल्टेज कहा जाता है, क्लियर है। तो एक चीज आपसे पूछा जा सकता है, बताइए रैंप वोल्टेज क्या है, तो रैंप वोल्टेज क्या है, जो क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल इनपुट आपने दिया है वही आपका रैंप वोल्टेज कहलाता है, क्लियर है ये चीज आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और यही वोल्टेज स्क्रीन पर चमकदार
फोटो को क्षैतिज दिशा में चलाती है। जिस वोल्टेज को सीआरओ की स्क्रीन पर देखा जाता है उसे सीआरओ के वर्टिकल इनपुट पर प्रदान किया जाता है। अब देखो, अब सीआरओ की स्क्रीन पर जो वोल्टेज मुझे दिखता है तो वो कौन सा होता है, उसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल इनपुट। ध्यान रखें, वर्टिकल इनपुट। तो लिख लेते हैं, सीआरओ की स्क्रीन पर, ठीक है, ये जो सीआरओ है। अब इस सीआरओ की स्क्रीन पर जो देखना होता है, ठीक है, सीआरओ की स्क्रीन पर देखना होता है सीआरओ की स्क्रीन पर जिस वोल्टेज को देखना होता है, यानी कि जो भी वोल्टेज भाई आप पर्टिकुलर जो भी वोल्टेज देखा जाते हो उसे क्या करते हैं, देखना होता है उसे सीआरओ के वर्टिकल इनपुट पर प्रदान किया जाता है, ठीक है, उसे सीआरओ के वर्टिकल इनपुट पर प्रदान किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों सीआरओ के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी, ठीक है, बेसिक जानकारी हो गया, क्लियर हो गया, आपको जो चीज समझ नहीं आई तो आप बैक करके देख सकते हो। अब हम देखेंगे सीआरओ का बेसिक डायग्राम, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम क्या कहता है। अब उसके अंदर जो एक पार्ट आएंगे अब हमें उसके बारे में ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा, तो इसे मैं पहले रफ कर देता हूं। ये बस मैंने आपको वर्किंग बता दी कि भाई एक्चुअल में वर्किंग किस तरह से होता है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। सीआरओ का नाम आपको ध्यान रखना है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। चलिए एक डायग्राम है जो कि हमें देखना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। तो ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक डायग्राम है, आप देखिए सबसे पहले आता है वर्टिकल इनपुट एटेन्यूएटर, वर्टिकल इनपुट एटेन्यूएटर, ठीक है, इसके नाम में अच्छे से ब्रीफली भी लिखाऊंगा, और उसके बाद नीचे आएगा हॉरिजॉन्टल इनपुट एटेन्यूएटर, तो हॉरिजॉन्टल इनपुट एटेन्यूएटर, ठीक है, सारे एक एक करके नाम आएंगे हॉरिजॉन्टल इनपुट। फिर आता है सॉ टूथ जनरेटर, जनरेटर हो गया, सॉ टूथ जनरेटर के बाद आता है आपका ट्रिगरर, ठीक है, ट्रिगरर आता है, ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर आएगा वर्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है, वर्टिकल एम्पलीफायर आया ऊपर, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, वर्टिकल एम्पलीफायर। नेक्स्ट है आपका गेट एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद नेक्स्ट है गेट एम्पलीफायर, और उसके बाद है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। और हमने एम्पलीफायर वाला चैप्टर आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए तो अब देखिए यहां पर वर्टिकल इनपुट पर क्या देंगे हम लोग, वर्टिकल इनपुट देंगे। अभी क्या हो सकता है, या तो एसी, मैंने आपको क्या बताया जो भी सिग्नल का वोल्टेज आप देखना चाहते हो उसे वर्टिकल इनपुट पर दिया जाता है, अभी अभी मैंने आपको लिखाया। फिर हॉरिजॉन्टल इनपुट एटेन्यूएटर पे अपन क्या देंगे, हॉरिजॉन्टल इनपुट देंगे, जो कि एक लोकल हॉटस्पॉट क्रिएट करने का काम करता है। फिर ये वर्टिकल इनपुट कहां जाएगा, वर्टिकल एम्पलीफायर पे जाएगा, जो कि इसको एम्पलीफाई करने का काम करेगी, जो कि इसे एम्पलीफाई करने का काम करती है। ट्रिगर देखिए, ट्रिगर सिग्नल दिया था पहले सॉटूथ को, और सॉटूथ से जो इनपुट निकलता है वो आता है हॉरिजॉन्टल इनपुट एम्पलीफायर के अंदर। फिर यहां से ये कहां जाता है, हॉरिजॉन्टल इनपुट एम्पलीफायर से ये जाता है आपके गेट एम्पलीफायर सर्किट के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ देखें सॉ टूथ जनरेटर किसके साथ कनेक्ट रहता है, हॉरिजॉन्टल इनपुट एम्पलीफायर के साथ में कनेक्टेड रहता है, और इसे अपन कहां कनेक्ट करेंगे, इसके साथ, ठीक है, इसे अपन ने इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये यहां से नीचे उतरता हुआ आएगा, हॉरिजॉन्टल इनपुट हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के साथ भी कनेक्टेड रहेगा, ध्यान देखें दो चीजों के साथ कनेक्टेड रहेगा। इसके बाद आफ्टर दैट अपने को क्या करना है, वर्टिकल एम्पलीफायर को कहां कनेक्ट करना है, इंटरनल लिंक में, ठीक है, वर्टिकल एम्पलीफायर है, इसे यहां पे कनेक्ट करना है। तो देखिए इसे एक जगह यहां पे जोड़ दिया, इसके बाद क्या करेंगे, ये निकल दिया, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, इंटरनल सिंक, ठीक है, ये हो गया एक तरह से इंटरनल सिंक, ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल सिंक, ये क्या हो गया, इंटरनल सिंक, ठीक है। तो जब इंटरनल सिंक के ऊपर कनेक्ट कर दो, एक्सटर्नल सिंक की बात हो तो उसे नीचे कनेक्ट कर दिया
जाएगा, और ये जो देखिए अगर ऊपर से सिग्नल निकल रहा है तो यहाँ पे आएगा, ऊपर से सिग्नल निकल रहा है तो यहाँ आएगा। अब फाइनली जो आपका वर्टिकल इनपुट था, ठीक है, फाइनली देखिए इसे अपन यहाँ की जगह यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए वर्टिकल इनपुट और हॉरिजॉन्टल इनपुट, ठीक है, यानी कि वर्टिकल एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से जो भी सिग्नल हमारे पास प्राप्त होता है, ठीक है, जो भी सिग्नल हमें प्राप्त होता है वो कहाँ आएगा, सीआरटी के ऊपर। तो ये जो डिवाइस है इसे क्या कहा जाता है, सीआरटी कहा जाता है, और सीआरटी का पूरा नाम क्या है वो हम लोग आने वाले आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये होती है स्क्रीन, ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है आपके स्क्रीन। अब क्या काम है इन सबका, ये हम लोग अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए वर्टिकल इनपुट एट्यूनेटर पे मैंने वर्टिकल इनपुट दिया एसी डीसी वोल्टेज, हॉरिजॉन्टल इनपुट पे हॉरिजॉन्टल इनपुट दिया जो कि एक लोकल हॉटस्पॉट क्रिएट करेगा। डोरीलाल जी बिल्कुल सीआरटी का पुराना बिल्कुल सही, आदित्य यादव जी गुड मॉर्निंग। चलिए फिर ट्रिगर सिग्नल देता है सॉटूथ जनरेटर को, सॉटूथ जनरेटर वेव उत्पन्न करने का काम करता है, और ये सिग्नल आगे दिया जाता है देखिए हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे, और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का सिग्नल एट्यूनेटर का सिग्नल हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे। अब हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या करता है, ये इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा, और देखिए सॉटूथ जनरेटर सीधे सीधे गेट एम्पलीफायर पर दिया जाता है ताकि ये सिग्नल को बूस्ट करे, ट्रिगर करे, ऑन करने का काम करता है। फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एम्पलीफायर का सिग्नल सीधे सीआरटी पर दे दिया जाता है। देखो मैं आपको वर्किंग को समझा रहा हूँ, लेकिन इस वर्किंग में इन डेप्थ नहीं घुसना, जो जो चीज हमारे काम की है सिर्फ मैं वो बताऊंगा और वही आपको याद करनी है। अब ऐसे बोले सर वर्किंग समझ नहीं आ रही, क्या करें, मत समझो, नहीं आ रही कोई बात नहीं, बेसिक बेसिक चीजें समझ आ गई बहुत है। क्लियर है, चलिए अब देखिए एक एक करके हम लोग सीआरओ के भाग देखेंगे। ये जो पूरा डायग्राम था, ये पूरा डायग्राम किसका था, सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम। ये क्या था दोस्तों, ये था हमारे पास सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम। क्लियर, चलिए कौन था भाई, रवि यादव जी क्लास में है क्या, रवि यादव को ये चैप्टर पढ़ने के लिए काफी दिनों से बोल रहे थे और फाइनली इसका नंबर आ गया है भाई। समझ आया नहीं आया सीआरओ के बारे में आज आपको, कई लोगों ने पहली बार भी पढ़ा होगा और कई लोग दोबारा पढ़ लेंगे, तो आपको कुछ फर्क आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ये अच्छा लग रहा है क्या लग रहा है। आप देखेंगे सबसे पहला टॉपिक आता है आपका सीआरटी, जो भी हमने बनाया था ना सबसे लास्ट में, ये जो टॉपिक बनाया था सीआरटी, सीआरटी का पूरा नाम लिखेंगे सबसे पहले। डोरीलाल जी ने बिल्कुल सही नाम बताया था, कैथोड रे ट्यूब। तो देखो दोस्तों आपको दो नाम याद रखने, सीआरओ का कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और सीआरटी का नाम भी ध्यान रखना कैथोड रे ट्यूब। ये दोनों नाम आपके पास एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका टेक्निकल आईटीआई का एग्जाम हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को देखिए ये क्वेश्चन तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, ये जो बेसिक चीज है वो आप लोगों को याद होनी ही होनी चाहिए। क्लियर है मेरी तरफ से, ठीक है, आप लोगों को क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीआरटी यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है। देखिए अब क्या करते हैं, एक बार इसका पहले अपन लोग डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाने के बाद हम लोग इसे एकदम बेहतरीन तरीके से या मैं कहूँ अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका अपन लोग। देखिए तब तक अगर किसी का भी किसी भी तरह का प्रश्न है पूछना चाहता हो तो बिल्कुल फ्री है, वो पूछ सकता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपन को मिडिल लाइन बनानी पड़ेगी। ये देखो वो मैंने बता रहा था ना, जो वर्टिकल इनपुट होता है एक लाइन निकलती है बीम की तरह, ठीक है, बीम की तरह जो एक लाइन निकलती है वो ये हो गया। ये सीधा सिग्नल क्या करता है, हमें जो जो भी सिग्नल दिखाना है उसको दिखाने का काम कौन करता है, ये वाला सिग्नल करता है। और ये हो गई फिर आपकी प्लेट है, डिफ्लेक्शन प्लेट है ये, एक एक करके इन सभी प्लेटों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, एक एक करके इन सभी के बारे में अपन लोग अभी देखेंगे।
चलिए तो ये हमारी चीज़ों की, अब एक ही करके अपन इसका नामकरण कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये क्या है आपके पास, फिलामेंट। ये हो गया फिलामेंट। अब इस फिलामेंट से क्या निकलती हैं, कैथोड किरणें निकलेंगी, ठीक है। इस फिलामेंट से क्या निकलेगी, कैथोड। तो देखिए यहाँ पे कैथोड भी लगा हुआ है, ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है। ये हो गया आपका कैथोड। इसके बाद देखिए कंट्रोल ग्रिड, जो कि कंट्रोल करने का काम करेंगे सिग्नल को, कंट्रोल ग्रिड लगे हुए हैं। फिर एक्सीलरेटिंग एनोड, जो कि एनोड को एक्सीलरेट करने का काम करेंगे। तो देखिए ये जो दोनों है ना, ये हो गए हमारे एक्सीलरेटिंग एनोड। इसके बाद बीच में एक होता है, ठीक है, फोकसिंग एनोड, जो कि फोकस बढ़ाने का काम करता है। तो इससे इसका नाम भी यहां लिख लेते हैं, बोलो फोकसिंग एनोड, ठीक है। बीच में भाई अपन ने इसका नाम ही लिख लिया। अब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, तो देखिए ये जो प्लेट है ना, ये हो गई वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। और ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या रह गया, प्रदीप्ति पदार्थ की कोटिंग और इलेक्ट्रॉन बीम। अब देखिए ये क्या है, वर्टिकल है, तो इसे अपन ने क्या नाम दिया, X1 X2, इसे Y1 Y2 नाम दे दो, ठीक है। अब ये जो देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम, मैंने बताया ना कैथोड की इलेक्ट्रॉन बीम है ये। और यहां देखोगे आप तो क्या होगा, ये देखो तो फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग होगी, क्या करना है। अब इसके बारे में देखो अपने को एक एक करके पढ़ना है। अब यहां देखो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, आप बोलो कि एक एक चीज लिखाओ, लिखाएंगे नहीं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT। तो ये देखिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का रूपांतरण कर उन्हें दृश्य पर्दे पर स्थापित करता है। तो लिख देता हूं, यही यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पर्दे पर दिखाता है। इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है एक्चुअली में, देखिए इसे CRO का हृदय कहा जाता है, ठीक है। तो CRT को CRO का हृदय कहा जाता है। इस तरीके से आपको इसको याद करना है, ठीक है। कि आप कैसे याद करोगे भाई, CRO और CRT में अंतर क्या है, तो CRT को CRO का हृदय कहा जाता है। यानी कि मेन पार्ट क्या हो गया, CRO भाई, मेन पार्ट क्या हो गया, CRT, CRT ही सारे काम करता है, ठीक है। तो CRT का ये, अब देखो ये जो इतना स्ट्रक्चर है ना, इसे अपन कहेंगे CRT, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे CRT। अब इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल इनपुट एम्पलीफायर, वर्टिकल इनपुट एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एटेन्यूएटर, वर्टिकल एटेन्यूएटर, शॉर्ट टू जनरेटर ट्रिगर, वो सब क्या है, वो CRO के टोटल हिस्से हैं CRT को मिला के, लेकिन CRT का अलग हिस्सा है, ठीक है। अब इस CRT के बारे में हमें देखना है, तो सब लोग ध्यान देंगे इधर, कौन कौन प्रेजेंट है एक बार क्लास में अपनी अटेंडेंस लगा दे, मुझे बता दे, ठीक है। ये चैप्टर कवर कराना है और देखिए आज फिर यही पॉइंट हो पाएगा हमारे सामने। CRT के पास आता है इलेक्ट्रॉन गन, CRT के बाद अगला आएगा इलेक्ट्रॉन गन, चलिए अंकित डोरीलाल जी और पवन, ठीक है। चलिए अब देखिए अब आता है इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, एक अति महीन इलेक्ट्रॉन की किरण होती है, जो कि सीधे पर्दे पर, देखिए ये जो लाइन देखिए आपको डैश डैश वाली अति महीन एक लाइन है, ये सीधे के सीधे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा CRT की स्क्रीन पर पड़ती है। अब जैसे ही इसकी स्क्रीन पर पड़ती है, तो हमें एक दृश्य रूप में एक विजुअल ग्राफ प्राप्त होता है। लेकिन ये बीम यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलते कहते हैं, तो यह है इलेक्ट्रॉन एक गर्म कैथोड से प्राप्त होते हैं, तो देखो यहां पे फिलामेंट है। अब ये फिलामेंट क्या करेगा, फिलामेंट को जैसे आप सप्लाई देते हो बल्ब का, गर्म होता है। अब जैसे ही फिलामेंट गर्म होगा, वो फिलामेंट कैथोड को गर्म करेगा, क्योंकि देखिए कैथोड ये फिलामेंट से अटैच है। अब फिलामेंट गर्म हुआ तो कैथोड गर्म हुआ, कैथोड गर्म होगा तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। लेकिन अब ये निकालेगा तो सही, लेकिन देखिए क्या करा मैंने, यहां पर लगा दिया एक कंट्रोल ग्रिड, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को निकालता है। लेकिन अब देखो ये, अब ये तो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन निकालेगा कैथोड, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने एक कंट्रोल ग्रिड लगा दिया, तो इसकी मदद से जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है वो एक सीधी महीन रेखा में प्राप्त होते हैं। देखो
इसके पास स्पेस कितना सा बचा, देखो स्पेस तो इतना सा है, तो उस इतने से स्पेस में से ये इलेक्ट्रॉन एक महीन रेखा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जो कि आगे बहुत सारी चीजों से होते हुए निकलते हैं। ठीक है, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कंट्रोल ग्रिड में से निकलते हैं और कंट्रोल ग्रिड इन प्रवाहित इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश पर निर्भर करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे ये किस पर निर्भर करता है, कंट्रोल ग्रिड पर अप्लाई किए जाने वाले नेगेटिव आवेश पर निर्भर करता है। और इसके बाद ये कहां जाते हैं, एक्सीलरेटिंग एनोड पर जाते हैं, और एक्सीलरेटिंग एनोड के बाद फोक्सिंग एनोड। अब देखो जैसे ही सिग्नल लेकर देखो, पहले और दूसरे तीसरे नंबर पर एक्सीलरेटिंग एनोड है, उसके बीच में फोक्सिंग एनोड है। अब एक्सीलरेटिंग एनोड क्या करता है, देखिए इन दोनों एक्सीलरेटिंग और एनोड के मध्य फोक्सिंग एनोड होता है। अब ये करता है बेसिक ये इलेक्ट्रॉन को तीक्ष्णता, देखो फोकस यानी किसी चीज का फोकस, तो ये एकदम जो सिग्नल को बहुत ज्यादा शार्प कर देता है, ये सिग्नल को बहुत ज्यादा शार्प करने का काम करता है। और एक्सेलरेटिंग एनोड इसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, स्पीड बढ़ा देता है, और साथ ही साथ फोक्सिंग एनोड इसकी शार्पनेस को बढ़ाने का काम करता है। फिर इसके बाद आएगा डिफ्रेक्शन प्लेट, अब बात करेंगे हम लोग डिफ्लेक्शन प्लेट के बारे में। तो देखिए सीआरओ में मुख्यतः सीआरटी में स्थित वैद्युतिक विक्षेपण प्रणाली प्रयोग की जाती है, ठीक है, तो विक्षेपण प्लेट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होती है, तो यह है हॉरिजॉन्टल वे, हॉरिजॉन्टल वे वर्टिकल टाइप की होती है, तो यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो टाइप की हमारे पास में प्लेट्स होती है। तो विक्षेपण सिग्नल प्रदान करने पर वर्टिकल प्लेट इलेक्ट्रॉन की किरणों को वर्टिकल दिशा में तथा, अब देखो ये हो गई डिफ्लेक्शन प्लेट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो अब जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो वर्टिकल प्लेट पर जैसे ही पड़ेगा तो वो वर्टिकल दिशा में सिग्नल को आगे भेजेंगे, और जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेट पर पड़ेगा तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिग्नल को आगे भेजेगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था ना स्टार्टिंग में जैसे लाइन होते हैं, तो भाई जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन से निकलेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिलेगी, वर्टिकल प्लेन से निकलेगा तो वर्टिकल लाइन हमें प्राप्त होती है। अब आएगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है, क्या आएगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब फ्लोरोसेंट स्क्रीन को क्या कहेंगे, प्रतिदीप्ति पर्दा, क्या कहेंगे प्रतिदीप्ति पर्दा, चले। अब देखिए प्रतिदीप्ति पर्दा क्या है, जो इसकी स्क्रीन है उस पर हम लोग फ्लोरोसेंट पाउडर की कोटिंग करते हैं, ठीक है, लिख लेंगे कि इसकी स्क्रीन पर फ्लोरोसेंट पाउडर की कोटिंग की जाती है, जो कि उस पर आरोपित इलेक्ट्रॉन की गति को सोख लेता है, तो लिख लेते हैं यह पर्दा तेज गति के इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, तेज गति के इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन को पुनः उत्सर्जित कर एक चमकीला बिंदु उत्पन्न करता है, और फिर इलेक्ट्रॉन को पुनः उत्सर्जित कर एक चमकीला बिंदु दिखाता है, यानी कि एक चमकीला बिंदु उत्पन्न करता है। चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनपुट एटेन्यूएटर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनपुट एटेन्यूएटर ये एम्पलीफायर के लिए आवश्यक इनपुट मान तक घटाता है या बढ़ाने का काम करता है। जो भी इनपुट आपने सिग्नल दिया है तो उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं, तो ठीक है वो आप लोग समझ लेना। हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल एम्पलीफायर जो मैंने डायग्राम बनाया था ना वो है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एम्पलीफायर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिग्नल को बूस्ट करने का, लो सिग्नल को, आपको पता है एम्पलीफायर क्या करता है, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो यही काम वहां पर हो जाएगा कि ये लो सिग्नल को हाई सिग्नल में एम्पलीफाई करके हमें प्रदान करता है। ध्यान देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एम्पलीफायर। फिर आता है सॉ टूथ जनरेटर, तो इसको देख लेते हैं, सॉ टूथ जनरेटर। अब देखिए सॉ टूथ जनरेटर क्या करता है, सॉ टूथ जनरेटर एक ऑसिलेटर सर्किट होता है, तो यह है एक ऑक्सीलेटर सर्किट होता है। चलिए हाँ, तो यह एक ऑक्सीलेटर सर्किट होता है, तो क्या करता है, जो कि इनपुट सिग्नल के केवल वर्टिकल अंश को टाइम बेस प्रदान करता है। तो देखिए आप इसको क्या समझेंगे कि यह सिर्फ जो सिग्नल दिया जाता है उसके वर्टिकल सिग्नल को टाइम बेस प्रदान करता है, ठीक है, यह इनपुट सिग्नल के केवल वर्टिकल अंश को, तो जगह लिख लेते हैं
इनपुट सिग्नल के वर्टिकल अंश को आवश्यक टाइम बेस प्रदान करता है। आवश्यक टाइम बेस प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉ टूथ जनरेटर, और ये सीआरओ के पर्दे पर 2 आयामी आकृति दर्शाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये है 2 आयामी यानी कि टू डायमेंशनल आकृति प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, 2 आयामी यानी कि 2 डायमेंशनल आकृति प्रदान करने का कार्य करता है। क्लियर है, ठीक है। 2 आयामी फ्रीक्वेंसी प्रदान करने का कार्य यानी कि सिग्नल प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद आता है गेट एम्पलीफायर कुछ नहीं है, सॉ टूथ जनरेटर में इनपुट प्राप्त करके उसके तुल्य फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर वेव आउटपुट तैयार करता है, ठीक है। तो क्या करता है, सॉ टूथ जनरेटर से इनपुट प्राप्त करके फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर वेव, ठीक है। अभी जगह नहीं, आप लोग समझ लीजिए कि एक आपको गेट एम्पलीफायर लिखाया था, बीच में था ना, पहले था वर्टिकल एम्पलीफायर, फिर गेट एम्पलीफायर, फिर इनपुट हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। तो गेट एम्पलीफायर का काम कितना है कि भाई सॉ टूथ जनरेटर का इनपुट सीधे गेट एम्पलीफायर में, अब गेट एम्पलीफायर उस सिग्नल को प्राप्त करता है और उसके बाद उसके रेफरेंस में उसके बराबर स्क्वायर वेव तैयार करता है। तो ध्यान रखेंगे सॉ टूथ जनरेटर स्क्वायर वेव, हेलो सर गुड मॉर्निंग, रॉकस्टार आर्मी गुड मॉर्निंग। तो ये स्क्वायर वेव उत्पन्न करने का काम करता है गेट एम्पलीफायर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब ये एम्पलीफायर ऐसी व्यवस्था तैयार करता है कि इलेक्ट्रॉन बीम केवल ट्रेस पीरियड में ही पर्दे पर विद्यमान रहे। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, अब मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, गेट एम्पलीफायर के बारे में ये चीज पूछी जाती है। गेट एम्पलीफायर, अब लोग हम समझने की कोशिश करते हैं कि गेट एम्पलीफायर क्या होता है। ये स्क्वायर वेव उत्पन्न करता है सॉ टूथ जनरेटर से इनपुट लेके स्क्वायर वेव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो सॉ टूथ जनरेटर से इनपुट लिया और उसको इनपुट लेने के बाद में स्क्वायर वेव उत्पन्न कर दी, ठीक है भाई, स्क्वायर वेव उत्पन्न हो गई, खत्म आनी। लेकिन जो चीज हमें ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन बीम केवल ट्रेस पीरियड में ही पर्दे पर विद्यमान रहती है। तो लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम केवल ट्रेस पीरियड, ठीक है, ट्रेस पीरियड में ही पर्दे पर विद्यमान रहती है। अब आप बोलोगे कि सर ट्रेस पीरियड में ही पर्दे पर विद्यमान रहती है, लेकिन ये ट्रेस पीरियड क्या होता है और रीट्रेस पीरियड क्या होता है। तो ट्रेस पीरियड पर ही पर्दे पर विद्यमान होती है, रीट्रेस पीरियड में नहीं। तो लिख लेते हैं एक एक करके, ट्रेस पीरियड और रीट्रेस पीरियड। ट्रेस पीरियड और रीट्रेस पीरियड, ठीक है। तो ट्रेस पीरियड क्या होता है दोस्तों, कि शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने का समय, ठीक है, सिग्नल का जीरो से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय, और रीट्रेस पीरियड अधिकतम से जीरो तक पहुंचने में लगा समय। क्या कहलाता है, रीट्रेस। तो ध्यान रखें जो आपका जनरेटर गेट एम्पलीफायर है, ये इलेक्ट्रॉन बीम को केवल ट्रेस पीरियड में ही पर्दे पर प्रदर्शित करता है, विद्यमान रहती है, उसके अलावा रीट्रेस पीरियड में विद्यमान रहती है। अब आपसे पूछेगा ट्रेस पीरियड क्या है, तो शून्य से लेके अधिकतम मान तक पहुंचने में समय लगे, और कोई बात नहीं रवि यादव जी, आप देखिए आप ऑस्किलोस्कोप के बारे में कह रहे थे और आज ऑस्किलोस्कोप हमने खत्म भी होने वाला है, बस ये यहाँ पे, ठीक है। तो रीट्रेस पीरियड क्या हो गया दोस्तों, अधिकतम से जीरो तक पहुंचने में लगा समय रीट्रेस पीरियड कहलाता है, ठीक है। चलिए
अब इनपुट सिग्नल और टाइम बेस सिग्नल को एक साथ देने के लिए ट्रिगर, मैंने बोला ना ऑन करने के लिए ट्रिगरिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो इनपुट सिग्नल और टाइम बेस सिग्नल को एक साथ देने के लिए ट्रिगर सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है और ये ट्रिगर कहलाता है। ट्रिगर पल्स की आवश्यकता पड़ती है उसे वही ट्रिगरिंग कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये पूरा समझ आ गया होगा। रवि यादव जी आप लेट आए, कोई बात नहीं, वीडियो को बैक करके देख लेना, आपको सब कुछ दिख जाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। काफी अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। अच्छा अब देखो कुछ पॉइंट है जो कि बाकी रह गए। ऑस्किलोस्कोप का कंट्रोल पैनल आपने देखा होगा, ठीक है, ऑस्किलोस्कोप है उसका कंट्रोल पैनल आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अब उस कंट्रोल पैनल में बहुत सारे बटन होते हैं, अब उन बटन का काम क्या होता है तो वो हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो ऑस्किलोस्कोप का कंट्रोल पैनल, ऑस्किलोस्कोप का कंट्रोल पैनल तो देखते हैं कि भाई ऑस्किलोस्कोप क्या होता है और उसका कंट्रोल पैनल क्या होता है। अब कंट्रोल पैनल में बहुत सारे छोटे छोटे बटन होते हैं, उन बटनों का कार्य क्या है देखते हैं। सबसे पहला होगा पावर बटन, ठीक है, सबसे पहला होता है पावर। अब पावर बटन का काम क्या होता है भाई, ये सीआरओ को ऑन व ऑफ करने का कार्य करता है, यह यंत्र की सप्लाई को ऑन ऑफ करने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे ये ऑन करते हैं तो साइड में लगा हुआ नियॉन बल्ब छोटी सी एलईडी ऑन हो जाती है, तो बस ये ऑन ऑफ हो गया पावर बटन। अब आता है इंटेन, INTEN, इंटेन लिखा हुआ, इसका मतलब होता है इंटेंसिटी, ठीक है, इसका मतलब होता है इंटेंसिटी। अब जब हम लोग इंटेंसिटी नाम के बटन को घुमाते हैं तो ये सिग्नल की प्रकाश तीव्रता को कंट्रोल करता है, तो ये सिग्नल की प्रकाश तीव्रता को नियंत्रित करता है, ठीक है भाई, सिग्नल की प्रकाश तीव्रता को नियंत्रित करने का काम। एक होता है इंटेंसिटी की, अपने मोबाइल में ब्राइटनेस ऑन करते हैं अपन, ब्राइटनेस कम और ज्यादा करते हैं, तो वही काम है कि भाई इसके द्वारा अगर अपन बढ़ाते जाएंगे तो सिग्नल अपने को और ज्यादा गहरा गहरा दिखता जाएगा, तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी, ठीक है। अब इंटेंसिटी के बाद में तीसरा आता है फोकस, तो अब आपको भाई फोकस के बारे में तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की आवश्यकता है। फोकस क्या होता है, सिग्नल की तीक्ष्णता को समायोजित किया जाता है, सिग्नल की तीक्ष्णता, और तीक्ष्णता को इंग्लिश में क्या कहेंगे, शार्पनेस, तीक्ष्णता को नियंत्रित करता है। तो जैसे जैसे आप इसे बढ़ाओगे, पहले तो सिग्नल मोटा होता है, धीरे 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 क्या करता है ये सिग्नल को शार्प एकदम पतला कर देता है। तो फोकस बटन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि सीआरओ में सिग्नल की तीक्ष्णता को शार्प करने का काम कौन सा बटन करता है, तो आप क्या टिक करोगे, फोकस। इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कौन सा करता है, इंटेन नाम का बटन करता है। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर आता है एक्स मैग, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे थे एक्स मैग, अब लेकिन इसे कहते क्या है, एक्स मैग्निफिकेशन। अगर आपको इसके पूरे पूरे नाम ध्यान देना है तो इसकी जो वर्किंग है, जो ये काम करते हैं, वो तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। तो इस कंट्रोल के द्वारा सिग्नल के टाइम बेस को, इसके द्वारा सिग्नल है उस सिग्नल के टाइम बेस को एक से पांच गुना तक बढ़ाया जाता है, पांच गुना तक बढ़ाया जाता है। तो सिग्नल के टाइम बेस को बढ़ाने का काम कौन सा बटन करता है, एक्स मैग्निफिकेशन, सिग्नल के टाइम बेस को एक से पांच गुना तक बढ़ाने का काम करता है। अब उसके बाद आता है वाई इनपुट, वाई इन और इसे क्या कहेंगे, वाई इनपुट। भाई वाई इन का पूरा नाम क्या हो गया, वाई इनपुट हो गया। अब आप बताओ भाई नाम से मतलब समझ आना चाहिए, नाम से मतलब क्या समझेंगे, ये वर्टिकल एम्पलीफायर को इनपुट प्रदान करता है। वर्टिकल एम्पलीफायर को इनपुट देता है, ठीक है। तो वर्टिकल एम्पलीफायर को इनपुट देने का काम कौन होता है, वाई इनपुट। अगला आता है वाई शिफ्ट, अगला क्या जाएगा,
वाई शिफ्ट नाम का बटन आ जाएगा और इस कंट्रोल के द्वारा पर्दे पर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को समायोजित किया जाता है। तो इसके द्वारा एम्पलीट्यूड को, इसके द्वारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड कंट्रोल किया जाता है। अब बताओ एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, कि कितना छोटा और कितना बड़ा मेरा सिग्नल होगा, वो वाई शिफ्ट के द्वारा हम लोग कंट्रोल करेंगे। अब आता है डीसी एसी ग्राउंड, डीसी एसी और जीएनडी। तो देखो ये एक सिग्नल होता है, इसे दबाओगे एकदम अंदर की तरफ तो डीसी हो जाएगा, थोड़ा सा बीच में रहेगा तो ग्राउंड, और एकदम पूरा बाहर निकलेगा तो एसी का काम करता है। तो ये क्या होता है, तीन स्थितियों में काम करता है, ठीक है। तो तीन स्थिति में काम करने वाला स्लाइड स्विच है, ये क्या है, स्लाइड स्विच है। तब से पूछ लेगा बताओ डीसी एसी ग्राउंड कौन सा स्विच है, तो स्लाइड स्विच होता है जो कि तीन स्थितियों में काम करता है, स्लाइड स्विच होता है जो कि तीन स्थितियों में काम करता है, क्लियर है। फिर आता है वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब देखो आपको कितना सिग्नल देना है, तो यह 10 स्थितियों वाला एटेन्यूएटर स्विच है, इसके द्वारा वर्टिकल एम्पलीफायर का कुल एम्पलीफिकेशन 50 मिली वोल्ट सेंटीमीटर से 50 वोल्ट सेंटीमीटर के बीच 10 विभिन्न मानों पर सेट किया जाता है। कितना, 50 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर से 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर के बीच सेट किया जाता है, किसे, 10 स्थितियों वाला एटेन्यूएटर स्विच है, 10 स्थितियों वाला एटेन्यूएटर स्विच है, ठीक है। तो ये एक 10 स्थितियों वाला एटेन्यूएटर स्विच होता है। उसके बाद आएगा X1 और X1.011। चलिए मार्कर की खत्म हो चुकी है, एक बार भर लेते हैं। X1 और X0.1। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, हमारे सामने एक तरह का स्विच मिलता है, लेकिन ये एक पुश बटन स्विच है, ये है पुश बटन स्विच है। अब देखिए X1 और उस 1 से लेके सीधे X0.1 तक लेके आ जाता है, यानी कि यंत्र की सूक्ष्मता घटा देता है, यह है यंत्र की सूक्ष्मता को। अब सूक्ष्मता की एक वैल्यू भी होगी जो कि 50 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, सूक्ष्मता को 50 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर से 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर तक घटा देता है। यानी कि देखो जब ये X1 पे होगा तो 50 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा, सॉरी 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा, और जब X.1 पे होगा तो ये 50 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया X1 और 1.2। उसके बाद CAL यानी कि कॉल, ये भी एक प्रकार का पुश बटन है, जिसे दबाने पर बटन को 15 मिली वोल्ट या 150 मिली वोल्ट का डीसी सिग्नल प्राप्त होता है। तो इसे दबाने पर डीसी सिग्नल प्राप्त होता है, इसे दबाने पर डीसी सिग्नल प्राप्त होता है। तो CAL सर बाल का मात्रक CGS में क्या होता है, बाल क्या होता है भाई, सर मेरे नंबर हैं, ये एडमिशन हो तो बता देना, कल से ब्रॉडबैंड। भाई आदित्य जी आपको नंबर कौन सा चाहिए, आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको एडमिशन कहाँ चाहिए और क्या कहना चाहते हैं आप। आदित्य जी चले, कोई बात नहीं। अभी यहाँ देखो CAL हो गया अपना खत्म। इसके बाद आता है DC बेल, ये एक प्रीसेट प्रकार का कंट्रोल है जिसे पेचकस द्वारा घुमाया जाता है, इसे सिग्नल की ट्रेस गति रहित अवस्था प्राप्त करने के लिए सेट किया जाता है। तो DC बाल है ये, अपने कोई इतना काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा न्यूटन बल पूछ रहे थे क्या, बल का तो न्यूटन होता है ना, बल का तो भाई न्यूटन होता है। अब आता है एक्सपोज, अब इसका पूरा नाम क्या होगा, एक्स पोजीशन। तो यह
सिग्नल की, अब एक्स में कौन सा था, हॉरिजॉन्टल, तो यह सिग्नल की हॉरिजॉन्टल स्थिति को कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, एक्स पोज है तो हॉरिजॉन्टल स्थिति को ही तो कंट्रोल करेगा। ठीक है, एक्स पोज हॉरिजॉन्टल स्थिति को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ट्रिगर लेवल तो लिखा होगा TRIG.LEVL और इसका पूरा नाम क्या हो गया, ट्रिगर लेवल। इसका नाम क्या हो गया, ट्रिगर लेवल। तो यह एक स्विच सहित वॉल्यूम कंट्रोल होता है, ऑटो अर्थात ऑफ स्थिति में बिना किसी इनपुट सिग्नल के टाइम बेस लाइन का डिस्प्ले होता है, ऑन स्थिति में ट्रिगर बिंदु का चयन स्वयं किया जाता है, तो ट्रिगरिंग करने का काम करता है। बस आप इतना ध्यान रखो, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अपना मेन आता है टाइम बेस, मेन जो हमारे पास बटन उपस्थित है ना दोस्तों, वो होता है टाइम बेस बटन। क्या टाइम बेस बटन? अब टाइम बेस ये 11 स्थितियों वाला रूट ट्री, सबसे पहले तो ये पूछेगा कि टाइम बेस बटन में कितनी स्थितियां होती हैं। 11 स्थितियों वाला रूट ट्री स्विच, होता है ध्यान देखना, जितने भी वो घुमाने वाले बटन होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, रोटर की तरह रोटेट करते हैं, तो इसीलिए उन्हें रोटरी स्विच कहा जाता है। क्लियर है? इसके द्वारा स्वीप का मान 50 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर से 0.2, तो स्वीप का मान 50 मिली, ठीक है। अब मिली क्या होगा, मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, 50 मिली पर सेंटीमीटर से 20 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर तक शिफ्ट किया जाता है। तो ये एक रोटरी स्विच है, इसके द्वारा 50 मिलीसेकंड से 0.2 माइक्रो सेकंड सेंटीमीटर के बीच चयनित किया जाता है, और यह हॉरिजॉन्टल इनपुट सिग्नल बाहर से आरोपित किया जाना हो तो एक्सटर्नल स्थिति में रखा जाता है। मान तक कंट्रोल करता है, बस इतना अपने को ध्यान रखना है कि स्वीप का मान कंट्रोल करने का काम कौन करता है, टाइम बेस्ड सिग्नल करता है। उसके बाद आता है वर्नियर, के बाद आता है वर्नियर। तो देखें ये कंट्रोल टाइम बेस स्वीप सेलेक्टर स्विच के साथ फाइन कंट्रोल का कार्य करता है, तो ये टाइम बेस के साथ, ठीक है। अब टाइम बेस बटन है, उसी टाइम बेस बटन के साथ ये क्या करता है, फाइन कंट्रोल का काम करता है। अब मेरे पास अगर ऑसिलोस्कोप होता तो मैं आपको एक एक बटन का काम अच्छे से समझाता, लेकिन क्या करें, नहीं है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा बताइए, कि टाइम बेस के साथ फाइन कंट्रोल का काम कौन सा बटन करता है, तो आप उससे क्या टिक करोगे, वर्नियर। क्या टिक करेंगे, वर्नियर। इसी के साथ देखो सिंक्रोनाइजेशन होता है, एस वाई एन सी, एक बटन होता है दोस्तों एस वाई एन सी, ये होता है सिंक्रोनाइजेशन। ये तीन पुश बटन होते हैं जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल और नॉर्मल टीवी कंट्रोल होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल स्विच को दबाने पर सर्किट में बाहरी सिग्नल दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह का हमें स्टेप होता है, ये एक प्रीसेट कंट्रोल है, इसकी ऑटो स्थिति में ही बेस लाइन प्राप्त होती है, अन्य स्थिति में बेस लाइन प्राप्त नहीं होती। एक होता है स्टेप, ठीक है। तो स्टेप क्या होता है, यह है एक ऑटो प्रीसेट कंट्रोल है, यह एक प्रीसेट कंट्रोल बटन होता है, इसकी ऑटो स्थिति में ही बेस लाइन प्राप्त होती है। जब ये ऑटो पोजीशन में होगा तो ऑटो स्थिति में ही बेस लाइन प्राप्त होती है। तो ऑटो स्थिति में, सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दीजिएगा लास्ट में, हाँ भाई स्क्रीनशॉट लेने का टाइम पूरी तरह से देंगे। फिर आता है हॉरिजॉन्टल इनपुट, तो भाई आपको पता है हॉरिजॉन्टल इनपुट क्या होगा, ठीक है आई नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल इनपुट पे हॉरिजॉन्टल इनपुट सिग्नल दिया जाता है, एम्पलीफायर से हॉरिजॉन्टल इनपुट दिया जाता है। और फिर आता है एक्सटर्नल सिग्नल, तो ये कंट्रोल सिंक्रोनाइजेशन के लिए बाहरी सिग्नल को ट्रिगर करता है। बस ये मेन इंपॉर्टेंट नाम थे आपके, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे हमारा जो ऑसिलोस्कोप नाम का टॉपिक है वो खत्म होता है। अब देखिए एक और टॉपिक रह गया कि ऑसिलोस्कोप के एप्लीकेशन, ये बस आप सुन लो कि ऑसिलोस्कोप कहाँ कहाँ काम में लिया जा सकता है। तो देखिए ये विभिन्न इलेक्ट्रिकल राशि जैसे कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, पावर फैक्टर इत्यादि को मेजर करने के काम आता है। देखो वोल्टेज और करंट मिल गया तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल गया कहीं ना कहीं इंडक्टेंस और ये भी मिल जाएगा अपने को। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को सिग्नल के द्वारा मापने का काम करता है। इसका प्रयोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को भी, तो देखो अपन टाइम बेस नाप लिया,
तो टाइम आ गया तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, या फिर फ्रिक्वेंसी मिल गई तो अपने को टाइम भी मिल जाएगा। इसके अलावा इसके द्वारा एसी और डीसी दोनों सिग्नल को मापा जा सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनपुट भी मापे जा सकते हैं लेसाजेट पैटर्न। इसके अलावा ऑसिलोस्कोप का उपयोग बहुत सारी चीजों में, जैसे कि टीवी में किया जाता है, कंप्यूटर्स में किया जाता है, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में लगे रहते हैं ना वहां पे भी किया जाता है, चिकित्सा विज्ञान, रेडियो, टीवी इत्यादि में भी सीआरओ का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ, ये टॉपिक जो ऑसिलोस्कोप का था समझ आ गया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेटर के बारे में, ठीक है, ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे कल। ऑसिलेटर भी काफी बड़ा टॉपिक है और कल तक भी शायद ऑसिलेटर नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे कि ऑसिलेटर को खत्म कर दें, बड़ा टॉपिक है, ऑसिलेटर के में 2 दिन भी लग सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 2 से 3 से 4 ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लगेंगे और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीरीज को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे, फिर बस आपका लास्ट टॉपिक बचेगा और चैप्टर सिलेबस कंप्लीट। फिर बता रहा हूँ जिन लोगों का फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि रवि यादव जी फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, तो आपके लिए WCS, ES और थ्योरी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम आएंगे उनकी वीडियो मैंने तैयार कर लिया है, उन वीडियो को देख के जाओ और उस वीडियो के अलावा कुछ मत पढ़ो। जो क्वेश्चन मैं उन वीडियो में पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो करो, सॉल्व करके जाओ, डेफिनेटली आप मान के चलो आप 99% ले आओगे अगर आपने उस तरीके से पढ़ा जैसे मैंने पढ़ा है। सही बात कह रहा हूँ, 100 में से 100 नंबर भी लेके आ जाओगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। तो वो वीडियो मैं आपको डेफिनेटली चैनल पे बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा। बाकी कल अपनी क्लास वही सेम टाइम पे होगी 9 बजे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल सेम टाइम पे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, जिसने वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।